नेपाल से आ रही हैं शालिग्राम की दो शिलाएं। क्या शालिग्राम शिलाओं से बनेगी रामलला की मूर्तियां? रामलला की मूर्ति के लिए जनकपुर से आया दहेज, जनकपुर से आ रहा है अयोध्या के लिए दहेज। क्या इन खास पत्थरों से ही हो सकता है रामलला और माता जानकी की मूर्ति का निर्माण? इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए श्री राम जन्मभूमि परिसर और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बीच दो दिनों तक बैठक चली, जिसमें नेपाल के जनकपुर की गंडकी नदी से आने वाली शालिग्राम शिलाओं को लेकर चर्चा हुई। अब तक ऐसा माना जा रहा है कि इन्हीं शिलाओं से रामलला और माता जानकी की मूर्ति का निर्माण होगा। इस बात से ट्रस्ट को भी कोई एतराज नहीं। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक मूर्ति के लिए शालिग्राम पत्थर का इस्तेमाल किया जा सकता है, हालांकि इसका फैसला मूर्ति कला के विशेषज्ञ ही करेंगे। शालिग्राम शब्द बहुत अच्छा है। शालिग्राम का अर्थ है जिस पत्थर में भगवान विष्णु का निवास है। छोटा सा पत्थर भी शालिग्राम है। बड़े बड़े मंदिरों में सौ सौ शालिग्राम रखे रहते हैं, उनकी पूजा होती है। सुना आपने, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव के मुताबिक इन शालिग्राम के पत्थरों को भगवान विष्णु का निवास होता है, इसलिए इनकी पूजा भी की जाती है। इन शिलाओं को खरीदा नहीं जा रहा, बल्कि जैसे जनकपुर से सीता जी आई थीं, ठीक उसी तरह दहेज की सौगात के रूप में नेपाल इन पत्थरों को भारत भेज रहा है। काली गंडकी ये नेपाल में दामोदर कुंड से चलती है, पोखरा से भी 85 किलोमीटर ऊंचाई से नदी के तट से लाया गया है। ये खरीदा नहीं गया है। नेपाल के संतों ने कहा, हम अयोध्या को सौगात में देना चाहते हैं। कभी जनकपुर ने जानकी जी दी, अब जानकी जी के दहेज के रूप में ये सौगात देंगे। आपको बता दें कि शालिग्राम पत्थर सिर्फ काली गंडकी नदी के किनारे ही मिलता है, जो कि नेपाल के म्यागदी और मुस्तांग जिलों से होकर गुजरती है। काली गंडकी नदी में पाए जाने वाले ये पत्थर प्रसिद्ध हैं और दुनिया में बेश कीमती हैं। आमतौर पर ये माना जाता है कि ये पत्थर भगवान विष्णु के प्रतीक हैं। भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसलिए ये माना गया कि काली गंडकी नदी से पत्थर अगर उपलब्ध हो सकता है तो अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की मूर्ति के लिए इसी से बनाना अच्छा रहेगा। भगवान राम और माँ सीता की मूर्तियां बनने के लिए शालिग्राम पत्थर सड़क से अयोध्या जा रहा है। इस बात की खबर फैलते ही रास्ते भर में श्रद्धालुओं का तांता लगता नजर आया। जैसे ही लोगों की नजर इन पवित्र पत्थरों पर पड़ती है, वो इसका स्पर्श करके धन्य हो जाना चाहते हैं। महिलाएं पूरे रास्ते में इनकी पूजा अर्चना करती दिखाई दी। इस खबर में अभी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।